जहाँ देश में पूर्णतः वातावरण जो पहले शोषित वर्ग है उसके खिलाफ बनाया जा रहा है और उसके लिए सीधे सीधे रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनके साथ जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशंस, ये सभी जिम्मेवार हैं। अभी आपने देखा कि हरियाणा में पल्लवगढ़ में सुंदर गांव में एक ऐसी जघन्य घटना हुई जिसमें सभी का दिल दहला दिया। एक पूरे दलित परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की, दो मासूम बच्चे जिंदा जला दिए गए और उसके ऊपर सरकार का जो रवैया रहा, चाहे वो हरियाणा सरकार और चाहे वो भारत सरकार, वो जिस तरह से सामने आए हैं कि मंत्री सामने आए हैं, जो इनकी स्टेटमेंट्स हुई, वो ये एक पूरे पैटर्न का हिस्सा है। कल फिर एक और घटना हुई गोहाना में, एक दलित युवक की जान गई है, उसकी भी पूरी तरह से छानबीन होनी चाहिए कि क्या कारण थे कि वो दलित युवक, छोटा सा बल्कि बच्चा ही कहेंगे 14-15 साल का, उसकी लाश लटकी हुई मिली, पुलिस की कस्टडी में वो था और बाद में उसकी लाश लटकी हुई मिली। पुलिस की पूरी जिम्मेवारी बनती है। ये सभी बातें जो मंत्री हैं भारत सरकार, उनके बयान जिस तरह से आए और उसके बारे में बेशक बाद में खेद प्रकट किया, खेद भी क्या प्रकट किया गया, प्रेशर में आकर एक बार तो कह दिया और जो भी कहा उसके बारे में कहना कि अगर किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, बात ये नहीं है कि क्या बयान दिया है या क्या उसका उन्होंने बाद में उसके बारे में माफी मांगी। सीधी बात तो यह है कि आज के दिन चाहे जहां इनकी सरकारें हैं, इनके मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इनका इनके दूसरे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं या इनके साथ जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशंस के आला लोग हैं, इनकी क्या मानसिकता, किस तरह का माहौल देश भर में इन्होंने पैदा किया हुआ, क्यों प्रधानमंत्री सामने नहीं आते, क्या उनके मन में जो हमेशा मन की बात करते हैं, क्या उनके मन में जरा सा भी दर्द नहीं हुआ, क्या उन्हें ये कहीं नहीं लगा उन्हें अपने मन की पीस लोगों के सामने दिखानी चाहिए, उन परिवारों, उन समुदायों के सामने दिखानी चाहिए, देश भर के सामने दिखानी चाहिए कि उन्हें भी दर्द होता है। और इसके अलावा उन्होंने क्या एक्शन लिया अपने मंत्रियों के खिलाफ, या दूसरे लोग हैं इनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आरक्षण के ही खिलाफ में बाद में लिपापोती करने को कुछ भी करें, डॉक्टर अंबेडकर की कितनी भी प्रशंसा करें, लेकिन जो मानसिकता है वो छलक कर बाहर आ जाती है, आई है, उसके बारे में क्यों नहीं स्थिति साफ की जाती है, स्पष्ट की जाती है। और इसकी एक मिसाल तो आप देख लीजिए कि पिछले बजट में जो शेड्यूल का सब प्लान था उसके 20,000 करोड़ के करीब पैसे इन्होंने कम किए,
बजट कम किया, तो बोलने की क्या बातें होगी। जो शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटीज एक्ट था, सीएसटी एट्रोसिटीज एक्ट था, उसका ऑर्डिनेंस लाए थे हमारी सरकार ने आया, इन्होंने सारे ऑर्डिनेंस फिर से प्रोमल्गेट केवल एक छोड़, केवल एट्रोसिटीज एक्ट का ऑर्डिनेंस छोड़कर इन्होंने सारे प्रोमल्गेट वो नहीं किया। लोकसभा में पास किया, राज्यसभा में नहीं हुआ, लेकिन हम ये कहते हैं कि उसको इन्होंने कानून क्यों नहीं बनाया, ऑर्डिनेंस क्यों नहीं लेकर आए। ये सब बातों के जवाब देश मांगता है, हम मांगते हैं, कांग्रेस पार्टी मांगती है। खुद प्रधानमंत्री को सामने आकर इन बातों का जवाब देना होगा। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट स्टेप फॉरवर्ड, ही मस्ट टेक एक्शन and he must come out very clear as to where he stands. Why should the language that was used by him be repeated by a member of his cabinet? What action are they taking? They have to make it clear to the people of this country.